हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज लिखवाई थी जो कि आपने याद कर ली होंगी, क्योंकि अब जो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो इन परसेंटेज से रिलेटिव होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर छः में है 990 ऑफ 9/11 प्लस 500 का परसेंट क्या है। तो 990 9 से ही 1/11 परसेंट की वैल्यू क्या होगी। 9 से ही 1/11 की वैल्यू होती है 1/11 प्लस 500, 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4। 4 से 4 × 4 दुनी 8 जे 20, ये कितना आ गया 90 प्लस 125 215 आंसर हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है, तो हम दोनों इनका हमें अंतर निकालना है। इनका अंतर होगा 44, कितने पर निकालना है 44 को 200 पे गुणा 100 काटने को, यहाँ से 100 जीरो करके 22 आ जाएगा, लेकिन हमें आगे क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि हमें इस 100 की गुणा को तो इग्नोर करना है हल्का सा। चार से काटना है, 5 × 20, 4 × 11 अब ये हो गया 11/50। इस 100 को हमें यहाँ से अभी के लिए भूलना है। अब इस 11 को हम अलग कर लेंगे प्लस 1/50। 1/50 की वैल्यू क्या होती है 2। 11 हो गया, कितना हो गया 11 × 2 = 22। यहाँ 11 × 1/50 होगा, 1/50 की वैल्यू होती है 2%। ये 11% हो गया, ये 2%, 11 × 2 = 22% हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। 150 400 से कितने प्रतिशत कम है, हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। 250, कितने में निकालना है, ये हमें 400 पर निकालना है। 100 डायरेक्ट हमें 100 से कोई इग्नोर मानना है, अभी परसेंटेज में गुणा नहीं करनी, अभी हमें आगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसी रूल को फॉलो करना है। 0 से 0 5/40 × 25 ये हो गया 5/8। इसको हमें 5 × 1/8 के रूप में लिख लेना है। 1/8 की वैल्यू क्या होती है 5 × 12/2 12 से 1/2 को तोड़ लेना है। 12 × 24 = 25,
25 बटे 2। अब यहाँ पे 25 और 5 की मैं कितनी 25 बन जाए 125 बटे 2। इसको डिवाइड कर लेना है, ये आएगा 2 से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1/2 परसेंट। दो छक्की 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा इसमें 2/2। अगर आपको ऐसे नहीं भाग नहीं हो रही तो आप इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब ये जो शेषफल होता है, शेषफल यहाँ पे लिखा जाता है भागफल ये रहा, और जैसे भागते रहे वो नीचे आएगा। ये तब तक सही नहीं होगा जब तक अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और हर बड़ा। अगर हर अंश बड़ा है तो ये आपका आंसर गलत है। इसके लिए आपको पहले अंश को हर से डिवाइड करना है, उसके बाद जितना डिवाइड आएगा उसे यहाँ जोड़ देना है। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 240 88 से कितना परसेंट अधिक है। इसका अंतर निकाल लेना है। इसका अंतर आएगा, इसमें से इसे माइनस कर लेना है, 152 कितने पे निकलेगा, 240 पे। सॉरी, इस क्वेश्चन में कितने परसेंट अधिक है, तो इसे अधिक के लिए पूछा है, तो हम इसमें 240 से नहीं 88 से भाग देंगे। सॉरी, 88 से 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 ने 72, इसे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यह आ गया 19/11। अब इसमें अंश बड़ा है और छोटा है, हम इसे 2 बार काटेंगे, 11 दूनी 22, यानी कि 2 11 दूनी 22, 2 आ रहा है, कितना छोटा हो गया, 3 माइनस 3/11। समझ में नहीं आया होगा आपको। इसे हमने काटा 11 दूनी 22, हमने 2 एक्स्ट्रा काटा, इसलिए ये वाली संख्या माइनस में पहुंचेगी। इसमें से 22 में से 19 घटा 3/11। तीन बटे ग्यारह की क्या क्वेश्चन होगी, 3/11 क्या होगा, 27 सही 3/11। मैंने इसका लिखवाया नहीं है, 1/11 का आप निकाल सकते हो। 1/11 का होता है 9 से ही 1/11%। नौ दिया 27 और 3 की गुणा यहाँ पे भी जाएगी, इसलिए 27 से ही 3/11 आ गया। ये हो गया 200 माइनस 27 से ही 3/11%। इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा माइनस करना है, इसका मतलब हमें 128 माइनस करना है। यहाँ से यहाँ पे आएगा 172, 11 में से 3 माइनस करना है, 8/11% हमारा आंसर। 240 88 से 172 सही 8/11% अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इस संख्या का मतलब गुणा होता है, 12 से ही 1/2% निकालना है। 12 से ही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। 8 से हमें इसमें भाग देना है, 8 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, आठ एकम आठ, 2/6, 8 × 2 = 16, 4, 8 × 5 = 40, 5, 8 × 6 = 48, 4, 8 × 6 = 48, 12 में थोड़ी कुछ दिक्कत हुई है, 8 × 8, 2/6 = 0 उतार लिया, 8 × 2 = 16, 4, 5 उतार लिया, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 2 उतार लिया, 8 × 6 = 48, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 5 बचेगा, 8 × 7 = 56, ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसका आंसर आ गया 12567। सॉरी डिवाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी इसमें, ये 2 ही है, दो ही उतार लिया, यहाँ मतलब 4, ये 6 नहीं सॉरी 5, इस हम 5 को भूल गए, 8 × 5 = 40, 5 बचा, अब उतारा 6 × 8 = 56, 0, ये आएगा 5, ये 7, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 840 260 से कितने % अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 580 किस पे निकालना है, 260 पे निकालना है क्योंकि अधिक पूछा है इसने, 0 0 काट देनी है, 2 से काटना है, 13 × 26 से 2 से काटना है, 2 × 4, 2 × 18, ये आ गया 29 से ही, 29/13, हम यहाँ पे 29 को अलग अलग लेंगे, गुणा 1/13, 1/13 की वैल्यू होती है 7 से ही 9/13, सॉरी
7 पहले इसको डिवाइड करना है 13 दूनी, क्योंकि यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, जबकि हर बड़ा होना चाहिए अंश छोटा होना चाहिए, इसलिए हमें डिवाइड करना है 13 दूनी 26। अब 13 दूनी 26 कितना बचा, 3। तीन प्लस 13, अब यहाँ पे अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, इसलिए ये सही है। इसे 200 हो गया, क्योंकि परसेंट में आ गई नहीं वैल्यू, 200%। ये तीन सही, 13 की परसेंट निकालनी है, 1/13 होता है, एक बटे तेरह की वैल्यू होती है 7 सही, 9/13। 1/13 होती है 7 सही, 9/13। अब ये 3 है, 7 21, 21 और ये 3 की गुणा होगी, 9 होती है 27/13। 13 से काटना है, 13 दूनी 26, 2 सही, 1/13 आ गया। इस 2 को यहाँ पर छोड़ देना, 23 सही, 1/13। ये हो गया प्लस 23 सही, 1/13, इन्हें जोड़ देंगे, 223 सही, 1/13% आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को करना है। अच्छा, 100 का 5 सही, 5/9 कितना परसेंट होगा, ये होगा 1/18। गुणा 1/18, यानी कि 1/18 की वैल्यू कितनी होती है, 5 सही, 5/9%। हमें क्वेश्चनों में ही ये वैल्यू याद हो जाएंगी, धीरे धीरे हमें क्वेश्चनों में ये वैल्यू अप्लाई करनी है, जिससे कि हमें आगे आ जाके कोई दिक्कत ना आए। 18 से काटना है, 18 1 18 18 3 54, 30 आंसर आ गया, सॉरी 300। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरी संख्या से हम तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, दूसरी संख्या 40% कम है, इसका मतलब 60 होगी, तीसरी संख्या 30% कम है तो इसका 30% कम होगा 70%। फिर इसमें पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है, अब यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का परसेंट पूछा है, 0 0 बढ़ गया, ये हुआ 7/6। इसको हम उसी तरीके से करेंगे, 7 प्लस 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही, 2/3। एक आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 1/6, ये हो गया 100, क्योंकि परसेंट में 1 की वैल्यू 100 होगी, 1/6 की वैल्यू होगी 16 सही, 2/3, 116 सही, 2/3%। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 सही 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 4 सही 1/6% इज इक्वल टू 1/24, यानी कि 1/24 की
कितना परसेंट होगा, 4 से 1/6, 1/24 आ गया। गुणा का काम मतलब गुणा होता है, 4800 प्लस 5 से ही 15/17 होता है 1/17। इन वैल्यू को मोस्टली मार्क करके चलना है। 1/17 गुणा 51, 100। 24 से डिवाइड करना है, 24 दिन 48 17 17 से 51, ये होगा 200 300 500 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। वो पहले वाला सवाल है, हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीसरी संख्या 100 मान ली क्योंकि 100% मानते हैं, उस दूसरी वाली आ गई 60, इसका मतलब 40% हो गई, 50 तो 50 का 50% बचा। अब पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का पूछ रहे हैं 5/4, एक बार डिवाइड करना है क्योंकि इसमें आंसर पड़ा है, आंसर को छोटा करना है हमें, 4 × 4 प्लस 1/4, 1 को 100% मानेंगे, 1/4 की वैल्यू होती है 20%, ये हो गया 120% आंसर, सॉरी 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 125% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम उस संख्या को x मानेंगे, हम उस संख्या को मानेंगे, लेट दी नंबर इज x, x प्लस x, क्योंकि किसी संख्या में उस संख्या उसका किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें x परसेंट मतलब x तो है ही, x परसेंट में जोड़ा है 16 से ही 2/3% बराबर 456, ये हो गया x प्लस x बटे x गुणा 1/6, 16 से ही 2/3 का वर्ग होता है, 16 से ही 2/3% होती है 1/6। तो 456 ये हो गया, छः कम छः एक 7x/6 यहाँ से गुणा कर लेंगे, x प्लस x 6/6 आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी गुणा इसमें तो होगी, अब 49/56, अब 6 × 6 6x हो गया, अब 6x में 1x जुड़ेगी तो 7x आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में थोड़ा कर दिया था तो आपको समझ नहीं आया इसलिए दोबारा बताया है, 49/56 7x बराबर 49/56
इसे इधर भेजेंगे तो गुणा छः हो जाएगी बटे सात, सात से डिवाइड करना है, सात सत्तर उनचास, सात अट्ठे छप्पन, जीरो बीच में आ जाएगी क्योंकि डिवाइड में उनचास छप्पन सात से, सात सत्तर उनचास, पाँच उतार लिया ना जाने की जीरो, सात सत्तर सात उठे छप्पन, इसलिए सात सौ आठ गुणा छः, इसमें गुणा कर देनी है, छः अड़तालीस बयालीस, ये इसका आंसर हो गया, एक्स का मान आ गया 4248, 4248 में 16 से 2/3% जोड़ा गया तो संख्या आ रही थी, ये रियल संख्या ये थी। सॉरी आपको दिखानी होगा इसमें, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। यहाँ से समझा देता हूँ, एक्स प्लस जब इसमें एक्स में एक की गुणा करी तो एक्स बटे छः आ गया बराबर 4956। अब ये हो गया छः में छः एक्स प्लस एक सात एक्स हो गया, सात एक्स बटे छः बराबर 4956। अब मैं एक्स में बराबर 4956 इसको इधर ले गए तो इसमें पलट जाएगी संख्या, छः ऊपर आ जाएगा सात नीचे, सात से डिवाइड करा 708। अब 708 में गुणा करते नहीं छः की, 4248 आ जाएगा, एक्स का मान हो गया 4248। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी संख्या में से उसका 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। छः से ही 2/3% होती है 1/15, इन चीज़ों को मार्क करके चलना जिससे कि हमें ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा याद हो चुके हैं। क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ना है जिससे कि हमें थोड़ा सही से समझ में, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब हमें 15 में से माइनस एक, मतलब जैसे कि इन्होंने बोला यदि किसी संख्या में से उसका 2/3% 6 से ही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अभी 15 आ रहा है, इसे करेंगे हम 15 माइनस एक, ये आ गया 14, 14 कर रहा है 5670। समझ नहीं आया होगा आपको, 1/15, 15 में से एक माइनस कर दिया 14 आ जाएगा डायरेक्ट। एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू आएगी 5670 तो ये 14, ये आ गया 405। इसको यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 5670 भाग 14, चौदह चौका 56, सात ताली ना जाने की जीरो, चौदह पंचे 70 कट गया। अब क्योंकि एक 15 में से एक घटाया था, अब 15 की हमें यहाँ पे गुणा कर देनी है, 15 गुणा करेंगे आंसर आएगा 6075। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम और भी फास्ट कर सकते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 18,
यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था, 11 सही 1/9 की परसेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होगी परसेंट में, 11 सही 1/9%। अब यहाँ पे तो घटाने के लिए बोला था, यहाँ तो घटाने के बोला था, यहाँ घटाया हमने। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। 9 + 1 = 10 आ गया। 10 की वैल्यू कितनी है, 900। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9। गुणा कितनी कर देनी है, ऐसे 9 में 90 की, सॉरी 90 आया, 9 की गुणा कर देनी है 81। सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। इसको हम इस तरीके से और भी फास्ट कर सकते हैं जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 16 से 2/3 आ रहा है, तो इसमें 6 + 1 कर देना है, 7 आ गया, 49 = 56। 1 का मान कितना होगा, 7 × 49 = 56। गुणा कितनी करनी है इसमें दोबारा से, 6 की, छः गुणा करेंगे ये आ जाएगा 4248 आंसर। यहाँ पे भी 4248 है, यहाँ पे 4248 है, और यहाँ पे 4248। ये इतनी सी में हो गया, और इसके लिए हमें कितना कुछ करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। यहाँ बोला है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब 157 को छोड़ेंगे हम, 100 + 57 सही 1/7%, ये होगी 1। 57 सही 1/7% कितने में छोड़ेंगे, 4 सही 4/7 में। यहाँ पे कितना हो गया, 7 × 7 = 11/7। क्वेश्चन करेंगे, लेट द नंबर इज एक्स गुणा 157 सही 1/7%, ये हो गया एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स सही 11/7। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर उस संख्या का 57 बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। एक्स कितनी है, 4/7, क्योंकि 100% तो अलग एक संख्या है, इसके अलावा ये है, तो 4/7 ये एक्स हो गया इज इक्वल टू 64। 4 से काटा 16,
एक्स बराबर 112। आंसर, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना चाहें तो 157 सही, 1/7 की वैल्यू आपको पता ही है, 11 सही, 1/11, 11/7। ग्यारह में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 की वैल्यू कितनी है 64, 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, 16 में कितनी गुणा कर देनी है 7 की, 16 7 112, तो दो लाइन में आंसर आ गया अपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। अभी मैंने सेटअप थोड़ा स्टार्ट करा है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो मैं आगे आपको और भी अच्छी वीडियो ला के दूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। धन्यवाद।